Okay, good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. There are some students who have not switched on their videos. All right, their video should be on immediately. Okay. Okay. So, कल हम कर रहे थे maximum. मैं आपके सामने demonstration करता हूँ कि how banking abroad helps in preventing the skidding. Practical understanding. देखो, ये सपोज रोड था. दिस रोड वॉज लेवल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल्ड? लेवल्ड का आसिफ, लेवल्ड मतलब क्या? आप बोलो आसिफ. Without any rises, like leveled. बेस्ट आंसर भी सर, द रोड इज नॉट बैंक बट इट इज लेवल्ड. लेवल्ड का अपोजिट बैंक्ड रोड. अभी ये लेवल्ड रोड पे क्या होता था? ये सपोज गड्डी है, ये देखो मैं गड्डी लेके आया स्पेशली फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये गड्डी है ना, ऐसे स्किड हो जाती थी, ऐसे आते हुए ऐसे चली जाती थी, इधर स्किड बोलते थे इसको. अब मैं इसको बैंक कर रहा हूँ. अब बैंक करने में टाइम पे कैन यू सी, अब इसको उठा दिया राउटर इसको, तो डू यू एग्री इट विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्किड. इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू स्किड क्योंकि स्किडिंग ऐसे टेढ़े ऊंचे वाले जगह पे स्किड करना डिफिकल्ट होगा. लेकिन एक और बात, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, नॉट वेरी लार्ज. ऐसे इतना ज्यादा एंगल नहीं होता, नहीं तो गिर पड़ेगी अपने वेट के कारण ही, वो ध्यान रखना. सो एक और बात वापस से मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्पीड के टाइम पे ये उधर जाती है, इसलिए उसकी स्पीड सर्टन ज्यादा स्पीड से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्पीड खिसक जाएगी वहां पर. सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट बी सफिशिएंट. बट रिमेंबर, ये एंगल बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा? इट विल स्किड. तो उसको कम से कम स्पीड लगानी पड़ेगी, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं बाद में. तो अभी हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन बी ड्रिवन अलोंग अ बैंक्ड रोड. बैंक्ड रोड, ये ध्यान रखना. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया था, दिस वॉज लेवल रोड, दिस इज बैंक रोड, एन एंगल थीटा. इसके ऊपर एक व्हीकल है ऑफ मास m, moving with some particular velocity vp along a curve probability r, mu is the coefficient of friction. Alright, the forces acting on the vehicle and its own weight mg acting vertically downward, normal direction n, perpendicular to this surface. ये angle ऐसा होना चाहिए कि इसका angle अगर नीचे लाओ तो ये 90 लगना चाहिए, इसको अगर नीचे लाए तो. Alright, इसलिए normal है ये. Alright, and force of friction है. अगर स्किड वहां हो रही थी ना गाड़ी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा नीचे बैठे. तो इसके दो कंपोनेंट एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, इसके दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा. तो इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? अपवर्ड फोर्स है एन कॉस थीटा और डाउनवर्ड फोर्स है एम जी और एफ साइन थीटा. तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, देयरफॉर एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी. इक्वेशन नंबर वन. इसमें है ना, मेन थिंग इज टू ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम. एकदम बढ़िया डायग्राम हुआ है तो आपका 95% मतलब देख देख के ही करना है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? सपोज एक पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, लेट मी आस्क मान शेख, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? मान शेख, दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे? ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर वाले फोर्स? सेंट्रीपिटल. दैट इज राइट. तो अलोंग एक्स एक्सिस ये दोनों मिलके, बिकॉज़ बोथ आर डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो
n cos theta plus f cos theta n sin theta. अब डायग्राम देख देख के करेंगे तो कभी मिस्टेक होगी नहीं. n sin theta plus f cos theta equal to m vp square by r. क्योंकि vp means some particular velocity. Equation number two. Divide 2 by 1. If I divide equation 2 by equation 1, what I get? MVP square upon R upon MG. So MM will get cancelled. It will be VP square. VP and some particular velocity. Khali V likhoge to bhi chalega. Lekin notes mein maine VP diya hai. So that's why. Equal to. N sin theta. Plus f cos theta upon n cos theta minus f sin theta. Remember, when V becomes V max, when Vp becomes V max, f will become f max. जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी ना तो उसके टाइम पे फोर्स फ्रिक्शन विल बिकम मैक्सिमम म्यू एन एंड देयरफॉर कैन से वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा. एफ के बदले म्यू एन. You know maximum force of friction is mu into n. Let me ask. Colin Qureshi. Conan. Conan Qureshi. I think roots ki tarah late latif hai. Acha, to mujhe ushna batao. What is mu means? Ushna Sheikh. Ushna. Yes, sir. म्यू का मतलब क्या? अरे क्या हुआ? Sir, coefficient of friction. हाँ इतना टाइम क्यों लेती हो? म्यू मतलब मैं बीच बीच में देखूंगा n gets cancelled from numerator and denominator. Therefore, v max square equal to sin theta plus mu cos theta. Upon cos theta minus mu sin theta. Divide right hand side by, let us say, cos theta. So what will I get? Therefore, VV max square upon RG equal to sin theta divided by cos theta, tan theta. Mu cos theta upon cos theta, mu. Cos theta upon cos theta, 1. Minus mu. Sin theta upon cos theta, yeah, khalas, beautiful. Therefore, what is V max square? Or therefore, V max equal to what? If I upar likh deta hu. Equal to mu n. Yahan se upar, therefore, V max equal to root of RG. Tan theta plus mu, yeah, mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. Ye formula learn by heart karna hai. Ye formula learn by heart karna hai. Main puchunga sabko answer aana chahiye. Main bolunga V max along a bank road. To aapko bolna hai, sir, square root of RG into bracket mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. Yeah, tan theta plus mu, jo bhi bolna hai. Alo Gupta, bol V max along a bank road. Sir root RG mu. Some, yeah. Mu minus 1 tan theta upon 1 minus mu tan theta. That's right. Abhi, jara important note samjho. Note. Important note. Suppose agar friction nahi hai. Surface is frictionless.
यानी कि म्यू कितना होगा, म्यू इज जीरो. सपोज इफ हम लोग अनरिलायबल फोर्स फ्रिक्शन को मानते ही नहीं है तो म्यू इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज वी मैक्स? रूट ऑफ म्यू गया, म्यू यहाँ पे जीरो, तो वन माइनस जीरो इंटू एनीथिंग में भी वन एंड म्यू जीरो, तो इट विल बी आर जी टेन थीटा. अबे ना मेरे दो क्वेश्चन होंगे, मैं बोलूंगा वी मैक्स निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, वी मैक्स का फॉर्मूला निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, तो आपको बोलना होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. मैं बोलूंगा वी मैक्स कंसिडरिंग फ्रिक्शन, तो ये आंसर है आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा. अबे ना दूसरा नोट वन का, नोट टू एंगल ऑफ बैंकिंग, अगर वो लोग बोलेंगे ना फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ बैंकिंग जनरली प्रॉब्लम आएंगे ना उसमें बोलेंगे निग्लेक्ट द फ्रिक्शन. तो यहाँ पे टेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यू विल गेट वी स्क्वायर अपॉन आर जी. अभी कोई भी हो सकता है, मैक्सिमम होने की जरूरत नहीं है. Corresponding velocity के लिए 10 theta will be v square by r g. देखो squaring both the sides r capital. R capital हो या small हो. अब मेरा answer question होगा, tell me what is the formula for angle of banking? तो आपको बोलना होगा 10 theta equal to v square by r g. तीन formula में पूछने वाला हूँ. V max along a bank road. ये answer. Considering friction. V max along a bank road. ये answer. Neglecting friction. And angle of banking, 10 theta equal to V square by RG. Let me ask. Conan, are you there? Yes, sir. एक बात बताओ, तुम क्या दो तीन मिनट लेट आने की कसम खा ली है तुमने? सर आज लॉगिन, हाँ? सर लॉगिन नहीं हो रहा था. झूठ मत बोलो सुबह सुबह. अरे सच्ची है. तब तक लॉगिन हो रहा है, तुम्हारा लॉगिन पांच मिनट बाद ही रोज होता है. I would like to ask Jitu. Jitu. Yes, sir. Tell me what is the formula for angle of banking? So angle of banking, sir, 10 theta is equal to V square upon RG. Okay, what is the formula for V max along a bank road neglecting friction? V max along a bank road neglecting friction. So V max equal to square root of RG 10 theta. That's right. What is V max along a bank road considering friction? Square root of RG in bracket. So coefficient of friction. Yeah. So what do we call that? Mu plus 10 theta upon 1 minus mu 10 theta. उसको म्याऊ बोलेंगे तो भी चलेगा, म्याऊ. Okay, so no problem. Okay, that's very good answer. Jitu, I appreciate. बहुत अच्छा answer है तुम्हारा. I love that answer. Okay. अब एक बार फिर से आपके सामने एक बार ध्यान रखो, इसका सबसे मुख्य चीज है to draw proper diagram. एग्जामिनर खाली डायग्राम देखेगा, बोलेगा वाह भाई वाह, ये डायग्राम में तो अंदर कुछ सपोर्ट, और लास्ट में फॉर्मूला देखेगा, ये फॉर्मूला होगा बोलेगा अरे यार इसमें तो ये देखेगा ही नहीं सब कुछ, ये और ये देख के संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाइड. एक बार फिर से आपके सामने देखो, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी बी अलोंग द कर्व अलोंग अ बैंक रोड व्हिच इज बैंक्ड एट एंगल थीटा, रेडियस ऑफ द रोड इज आर एंड coefficient of friction is mu. The forces acting on the vehicle are its own weight mg acting vertically downwards. Normal direction is a normal direction and a surface or a. This should be perpendicular to each other. It is still normal. इसलिए कहीं पे भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मत बना देना. Okay. Now, will any perpendicular and friction force of friction F, okay, which is between the tires and the road surface. N के दो बच्चे N cos theta, N sin theta. F के दो बच्चे F cos theta, F sin theta. Along y axis, upward N cos theta equal to this plus this. Therefore, N cos theta minus F sin theta equal to MG, equation number one. Along x axis, N sin theta plus F cos theta is providing, so ये दोनों मिलके along with the disk towards the center, provide the centripetal force. MV square by R. Equation number two, divide two by one.
So Vp square by Rg mm will get cancelled. Equal to this upon this. When Vp equal to Vmax, friction equal to Fmax, equal to meow man. All right. Therefore, Vmax square upon Rg equal to n sin theta plus Fk by mu n cos theta, n cos theta minus Fk by mu n sin theta. Therefore, Vmax square upon Rg equal to sin theta plus mu cos theta minus mu sin theta. Therefore, Vmax square upon Rg is divided. ये क्या किया मैंने? ये से ये step पे. Anybody can tell me? यहाँ से ये कैसे आया? Divided by cos theta. That is right. Divide numerator and denominator both by cos theta. So yeah, I can tan theta plus meow upon 1 minus meow tan theta. So Vmax will be root of Rg into meow plus tan theta upon 1 minus meow tan theta. Note, if meow is 0, agar friction nahi hai surface pe, to Vmax ka answer hoga square root of Rg tan theta. Kyun? Kyunki mu will get cancelled. J mu will become 0. Rg upar se sirf tan theta bachega. So Rg tan theta. Angle of banking. Squaring both the sides, removing either side, this guy is squaring kar do dono by you. So tan theta will be Vmax square upon Rg or V square upon Rg. Kuch bhi likho, it's okay, one and the same. I hope this clear to everyone. Kabhi kabhi, so no, kabhi kabhi wo log bolte hain, find the height by which the outer tire is raised above the inner tire. Dekho. Yeah, Gaddi. गड्डी को ऐसे रखेंगे तो कैन यू सी जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा ऊपर है इनर टायर से उस साइड वाला टायर ऊंचा है ना कंपेयर ऐसे रहते तो दोनों टायर एट द सेम लेवल बट ऐसे टायर लेने पे बाहर वाला टायर ऊपर अंदर वाला टायर नीचू तो हम लोग को बोला हाइट फाइंड द हाइट बाय विच द आउटर टायर इज रेज्ड अबव द इनर टायर बहुत आसान है बहुत आसान देखो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है ये मैं मिटा देता हूँ इस जगह में भूल जाएगा डेरिवेशन लेट अस से एच इज द हाइट बाय विच आउटर टायर इज रेज्ड अबव द इनर टायर एंड लेट एल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स एल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स रिमेंबर हम लोग गाड़ी पीछे से देख रहे हैं पिच्छू से इसलिए टायर सर्कुलर नहीं है नाउ If this is theta corresponding angle, this will be theta. Is the corresponding angle here? Now, in this triangle, in that triangle, what is sine theta? Sine theta is which side upon which side? Kya upon kya likho? Bhargesh, kya likho? Bhargesh, tumhari math bahut weak hai, mujhe batao. Sine theta ke badle kya likho? Which side upon which side? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या अपॉन क्या अपने डायग्राम से इस डायग्राम में क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा द एच अपॉन एच अपॉन एल 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 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर्स देयरफॉर एच का फॉर्मूला होगा एल साइन थीटा ये भी फॉर्मूला में पूछने वाला हूं मैं बोलूंगा चल बता भाई फॉर्मूला फॉर हाइट बाय विच आउटर टायर इज रेज्ड अबव द इनर टायर तो आपको देना है सर h इक्वल टू l sin थीटा बोलूंगा l क्या है तो बोलने का डिस्टेंस बिटवीन द टू टायर सर थीटा क्या है तो बोलने का एंगल ऑफ बैंकिंग तो बोलूंगा एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला बोलते बोलने का tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg मेरे को सारे आंसर चाहिए ध्यान रखो क्लास में लेट मी आस्क कोनन कोनन कुरैशी यस सर What is the formula for Vmax along a bank road? Center में और screen के center में. Square root of Rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. Very good answer. I really appreciate. ऐसा answer किया बस मेरे को. Okay. Now come to let us say Amurtaja. Oh Amurtaja. Yes sir. What is the direction of angular velocity? It is along the radius or where it is? Angular velocity, omega. So it is... Bull. Angular velocity, beta. Okay. So... Uh-huh. Along the radius.
No. Okay, let me ask other friend. Hussein? Hussein Dagina? Yes, sir. That's really bad. Okay, I would like to ask Asif. Yes, sir. What is the direction of angular velocity? Along the tangent or maybe axis of rotation. Tangent, bolte, along the axis of rotation and is given by right-hand rules. Angular velocity. Khali velocity bola hota na, linear velocity. So that is along the tangent. Axis of rotation yaad tha tumko, that was really good. Okay. So, ab hai na. Yeh saare formula aapko yaad rakhne hai, derivation yaad rakhne hai. Main thing is to draw proper diagram. जब क्लास खुलेगी फिजिकली मिलेंगे हम लोग तो मैं ब्लैक बोर्ड पे बुलाऊंगा बोलूंगा ब्लैक बोर्ड पे चलिए डायग्राम ड्रॉ करके बता यू नो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम मेरा ये सब नाटक रहता है क्लास में चल डायग्राम बनाओ तो पीपल हैज टू कम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एवरीबॉडी लुक्स एट द स्टूडेंट व्हाट इज डूइंग सो दैट वे यू प्रिपेयर वेरी वेल आई विल टेल यू उससे प्रिपरेशन उल्टा अच्छा होता है अरे उसने इस थिंग को नहीं करता तो ये होने के बाद लेट अस डू नाउ अनदर Derivation, derive an expression for minimum velocity. वो मैंने notes में भेजा नहीं है वो आपको लिखाऊंगा आज मैं Minimum velocity. Anybody can tell me, अगर bank road ज्यादा ही bank हो गया है सुनो ध्यान से बहुत जबरदस्त derivation. You know, banking कुछ ज्यादा ही हो गई है banking ऐसी छोटी रहती है तो गाड़ी अपने वेग से गिरती नहीं है लेकिन अगर banking कुछ ज्यादा हो गई तो tell me what will happen to the vehicle? ये व्हीकल किधर गिरेगी नीचे गिरेगी या ऊपर स्किड होगी नीचे गिरेगी उसका स्किड यहाँ पे होगा तो फ्रिक्शन कहाँ चला जाएगा फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन अगर ये नीचे गिरने जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा खाली बताओ ऊपर पहले हाँ ऊपर जाएगा तो अभी वी मिनिमम के टाइम पे एक ही चेंज होगा एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ये जो लाल बनाया ना ये लाल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा अभी हम लोग कम से कम फिर जो ड्राइवर है ना उसको कम से कम लेट से 50 किलोमीटर पर आवर चलाएगा अगर उससे कम चलाएगा ना तो नीचे आना चालू हो जाएगा मिनिमम स्पीड उसको मेंटेन रखनी पड़ेगी कम से कम 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द बैंक नहीं तो क्या होगा व्हीकल नीचे गिर पड़ेगी नीचे खिसकना चालू करेगी और अंदर सब लोग डर जाएंगे कि क्या हो रहा है हम लोग तो नीचे गिर रहे हैं तो खाली एक चीज होगा एंड दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन आपकी बार ऊपर जाएगा ऐसा एफ तो इसके दो बच्चे होंगे ये बच्चा होगा एक क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा एफ ये एच को निकाल देता हूं अभी अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा ये कॉस थीटा एफ साइन थीटा ये खाली चेंज होगा बाकी डायग्राम विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम खाली डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नीचे के बदले ऊपर और दो बच्चे एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा ऑलराइट अब हम लोग देखते हैं मिनिमम स्पीड का डेरिवेशन आपके सामने देखो यहाँ पे एम वी पी आर जी अब की बार मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे वी मैक्स के बदले वी मिनिमम लिखेंगे आर जी एम जी एन ये देखो डायरेक्शन ऑफ इज परपेंडिकुलर टू एन फ्रिक्शन एफ एन के दो बच्चे एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड एन साइन थीटा दिस बट एफ कॉस थीटा विल बी टुवर्ड्स राइट And F sin theta will be upward. ये हो जाएगा नया change. Anybody can tell me what will be changed here? Anybody who can see the diagram and vertically upward force equal to vertically downward force. क्या change आएगा इस equation? Anyone who can say? Anyone who can look at the diagram and say, sir, आपको ये change करना पड़ेगा sir. साइन चेंज हो गया सर
mg minus f center. एक बात बताओ, एक बात बताओ, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कौन कौन से है इसमें? कि एक ही फोर्स है कि दो फोर्स है, तीन फोर्स है, चार फोर्स है? n cos theta f sin theta. So that will become n cos theta plus f sin theta. और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? बस दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर वन. दैट विल बिकम इक्वेशन. डायग्राम देख के सारी कहानी खत्म हो जाती है. अब मुझे बताओ, व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर? व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर? एन साइन थीटा. दैट्स राइट. And what is the force which is acting along the radius and away from the center? ये बजे नहीं क्योंकि वो बजे. F cos theta. That is right. अगर F cos theta भी इधर act कर रहा होता, तो n sin theta plus F cos theta is centripetal force. अब की बार F cos theta उधर चला गया, तो what is the net force which is acting along the radius and towards the center? What should I write? Yeah, along the radius. Minus. Can you go? And. N sin theta minus F cos theta. My God, that is the best answer. मुझे है ना ऐसे आंसर मिलते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ाने का, बहुत मजा आता है. So that is equation number two. Divide two by one. Divide two by one. इधर V कर देते खाली और फिर बाद में V minimum से ही start करते हैं. इधर actually V minimum. V minimum. V minimum. Square equal to minimum square upon rg equal to this. और यहाँ पे f will become f max only. यहाँ पे start में ही f max, तो गाड़ी गिर पड़ेगी. ये f max से ही start होगा. f max, f max, f max. यहाँ पे f max भी रहेगा, नहीं तो गाड़ी पहले ही गिर पड़ेगी. दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है उसको. n sin theta तो गिराने वाला force है. All right. F max. तो यहाँ पे भी F max. F max. तो यहाँ पे F equal to F max. When V equal to here F max equal to mu n. Here F max equal to mu n. तो क्या आएगा? V minimum square equal to यहाँ पे n sin theta plus mu n cos theta. All right. ये इधर से देख रहे हैं ना, देखो इधर आएगा n sin theta minus और इधर आएगा नीचे प्लस. देखो नीचे दिस डिवाइड बाय दिस, तो ऊपर आएगा ये वाला पार्ट, नीचे आएगा ये वाला पार्ट. All right. F max के बदले mu n, तो इधर mu n minus और इधर आएगा प्लस n cos theta plus mu n sin theta. तो इधर आएगा sin theta minus mu cos theta cos theta. देखो इतना इजी डेरिवेशन. इससे मैं खाली v max v minimum tan theta minus mu. Upon one plus mu. खत्म. And therefore, V minimum का आंसर आ गया. This will be tan theta minus mu. Upon one plus mu tan theta. मैं आराम से एक बार एक एक स्टेप आपको लिख के बताऊंगा. मैंने ओवर राइटिंग किया. यू मे बी फीलिंग कंफ्यूज कि क्या कर रहे हैं सर यार, क्या मजा नहीं आ रहा है. I explain you. Everything will become clear. Don't worry about it. देखो, इसका एक screenshot ले लो पहले. Please take a screenshot क्योंकि this is not given in the notes. Everybody will have to write this. Screenshot ले लिया सभी ने? हाँ मैं. अभी ले लिया? Screenshot लो. लिया screenshot? अभी क्वेश्चन लिखो. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर
क्वेश्चन लिखो अपने नोट्स में. फॉर मिनिमम स्पीड अलोंग अ बैंक्ड रोड, मिनिमम स्पीड अलोंग अ बैंक्ड रोड. हुसैन तुम लिख नहीं रहे हो. हुसैन आई थिंक यू आर जस्ट लुकिंग एट मी. नथिंग यू आर राइटिंग. आई डू नॉट लाइक इट. सर आई हैव रिटन द होम नोट्स. क्या सर आगे पीछे हो जाएगा सर इससे हम नोट राइटिंग का? नहीं नहीं आगे पीछे क्या होगा, लिखना पड़ेगा तुमको. सर आई हैव टू राइट दिस आल्सो. हां तो जगह छोड़ो ना, जगह छोड़ 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 के करते जाओ काम. ओके सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन बी ड्रिवन अलोंग अ बैंक्ड रोड. अब है ना यहाँ पे देखो डेरिवेशन, ये सबको लिखना पड़ेगा कंपलसरी. टेक हेल्प ऑफ दिस. देखो इधर देखो यहाँ पे फोर्सेस एक्टिंग सोन मीट एम जी नॉर्मल रिएक्शन दो बच्चे फ्रिक्शन नो बिकॉज गाड़ी लुढ़क रही है. इतना ज्यादा बैंक है कि वो अपने आप को तो लुढ़क तो फ्रिक्शन बचाएगा उसको. तो यहाँ पे एक्चुअली सीधा एफ मैक्स ही हो जाएगा यहाँ पे. बट इधर एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा यहाँ पे देखो. तो यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाने के बाद अलग वाई एक्सिस n cos theta plus f sin theta यानी कि f max sin theta equal to mg equation number one along x axis n sin theta minus f max cos theta equal to mv minimum square upon r equation number two divide 2 by 1 so we will get r will get mm will get cancel so v minimum square upon rg equal to this upon this that is n sin theta minus f max cos theta upon n cos theta plus f max sin theta. Here f max is mu n. So iske badle mu n likha. Iske badle mu n likha. N gets cancelled from numerator as well as denominator. So v minimum square upon rg sin theta minus mu cos theta upon cos theta plus mu sin theta. Therefore v minimum square upon rg equal to tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta. So v minimum ka hi answer. This is what everybody will have to write in the notes. अब मैं इसको summarize कर देता हूँ formula को, so that all confusion goes away. All confusion goes away. But some summary of the formula. Labeled road, banked road, we minimum along banked road. Right, angle of banking. देखो यहाँ पे anybody can tell me what is right. Anyone in the class can tell me. Level road पे what is Bmax? जिसने बराबर से सुना होगा lecture वो answer देगा. Anyone can. Under root. So under root RG bracket mu plus tan theta upon one minus. Mu tan theta. That is a very bad answer. Leveled road. Leveled yani tan theta hai hi nahi, theta hai hi nahi. Leveled. It is not banked. It is leveled. Anyone? But I like that. Aska, Aska, you think something? Aska Shirik? Sir, I don't know. You don't know. Sir, Mu ji, Vijay Bhatt.
और अंडर रूट म्यू जी आर. माय गॉड, दैट्स द बेस्ट आंसर. क्या आंसर है, ब्यूटीफुल आंसर. आई रियली लाइक द वे यू आंसर. Vmax along a level root is root of miao chi r. Bank roll Vmax will be told to me by let us say Vaishnavi Dhabra. Yes sir. Under root rg bracket mu plus 10 theta upon 1 minus mu 10 theta. My god, what an answer! What an answer! That's a lovely answer. Okay, we minimum along level road pe koi minimum kuch nahi hota. Bank road pe mujhe answer dega. Kaun answer dega? Kisko nahi pucha hai maine answer question? Anybody whom I am forgetting to ask? Koi bolega nahi bolega. Jaane de sir ko yaad nahi dilane ka bina bas puchte rahenge baad mein. Okay, let me ask. Amurti ja, we minimum. Yes sir. Under root rg 10 theta minus mu upon 1 plus mu 10 theta. That's lovely answer beta, bahut acha answer. What is the formula for angle of banking? Konin Qureshi. Konin. Yes sir. What is the formula for angle of banking? Tan theta is equal to V square upon RG. My god, very good. I will start liking it to answer like this. Bahut acha answer hai. Ye agar aap copy kar lo ya screenshot, bhi copy kar lo aap. Screenshot leke kabhi likhne wale nahi ho, mujhe pata hai. Jaldi likho. Pidano is go. मिटा दूं क्या? Yes sir. मिटा रहा हूं. Okay, now हम लोग देखेंगे मोशन इज वर्टिकल सर्कल.